4 मई को अचानक हुई बरसात से प्रतापनगर अनाज मंडी में रखी गेहूं की बोरियां फेंक गई। मजदूरों द्वारा फेंकी गई गेहूं की बोरियों को सुखाने के लिए अलग अलग किया गया। आपको बता दें, बुधवार को दोपहर के समय अचानक तेज आंधी के साथ भारी बरसात हुई, जिसके बाद प्रतापनगर अनाज मंडी में रखी गेहूं की बोरियां भी फेंक गई। आपको बता दें, प्रतापनगर अनाज मंडी अभी कुछ दिन पहले ही मंडी में करोड़ों रुपए के विकास कार्य पूरे हुए हैं, लेकिन मंडी में पानी निकासी का कोई स्थायी प्रबंध नहीं है, जिस वजह से बरसात का सारा पानी गेहूं के फड़ों पर ही खड़ा रहता है और गेहूं की बोरियां नीचे से भीग गई, जिसको मजदूरों ने अलग किया। कस्बावासियों का कहना है कि आगामी सीजन बरसात का है और यदि समय रहते पानी का निकासी का सही प्रबंध नहीं किया गया तो लाखों रुपए की गेहूं भीग जाएगी और सरकार को भी लाखों रुपए का चूना लग सकता है।